हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म तक, जिसमें आपको सब अलग अलग करना था, एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया था। लेकिन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। मतलब कि इस ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब कि ये पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है, अब आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो जैसे 260+7 है ना, तो 60+7 करेंगे 67 हो जाएगा, और 67 को अगर 200 में अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 267। ठीक उसी प्रकार 500+60+9, 60 में 9 प्लस करेंगे 69 हो जाएगा, और 69 को 500 में प्लस करेंगे तो 569 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और जैसे है 600+4, यानी 600+4, तो 600 में 4 प्लस करेंगे तो 604 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 604 होगा। और यहाँ पे है 20+3, तो कितना होगा 23, और 100 में अगर 23 प्लस करेंगे तो कितना होगा 123। 900+90+9, 90 में 9 प्लस करेंगे 99 होगा, और 900 में 99 प्लस करेंगे तो कितना होगा 999। 700+90+0, 90 में 0 प्लस करेंगे तो 90 ही होगा, और 700 में अगर 90 प्लस करेंगे तो कितना होगा 790। अब जैसे देखिए यहाँ दिया है जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 500, 3 10s, 8 1s। 500 मीन्स 500+3 10s यानी 30, प्लस 1s का मतलब कि 1s ही होता है तो 8 हुआ। अब इसको अगर हम प्लस करेंगे कितना होगा 500+30+8 कितना होगा 38 में अगर 500 प्लस करेंगे कितना होगा 538। नेक्स्ट क्वेश्चन 800, 0 10s, 3 1s। तो 800 है आपका पहले, फिर 0 10s है, फिर आपका 3 1s है। तो 800 में अगर पहले तो 0 और 3 को प्लस करेंगे तो 3 ही आंसर होगा, उसके बाद फिर 800 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 803। 200s, 1 10, 19। 200+1 10 मतलब कि 1 × 10 करेंगे तो कितना होगा 10 ही होगा, प्लस आपका है 9, तो 210+9 कितना होगा 10+9 19, और 19 को अगर 200 में प्लस करेंगे कितना होगा 219। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300, 5 10s, 0 1s। तो 300+5 10s यानी 5 10s मतलब 50, और 300 का तो 300 सी होगा, तो 300 में 50 प्लस करेंगे कितना होगा 350। 400, 0 10s, 7 1s। तो 400 में 0 10s होगा तो 0 10s ही हो जाएगा, और उसके बाद 7 1 है, तो 400 में अगर 0 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा, तो 400 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 407। ओके, नाउ द योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 10। द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। क्यों? क्योंकि अगर 9 के आगे हम अगर 10 को काउंट करेंगे तो 10 हमारा 2 डिजिट हो जाएगा ना, तो हमारा लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कितना है 9 है, और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कितना है 1 है। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा कोई डिजिट नहीं होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है 10 होता है। क्यों? अगर 10 से नीचे अगर 9 पे आएंगे तो 9 हमारा 1 डिजिट नंबर है, इस वजह से हमारा 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, और अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे तो 99 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 99 में अगर प्लस 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 99। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, 3 डिजिट का सबसे छोटा शब्द कौन सा, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 100, और अगर 100 में -1 करेंगे तो कितना होगा 99 हो जाएगा, तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999।
क्यों? क्योंकि अगर 999 में 1 प्लस करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा, और 1000 हमारा 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 ए बी सी। ए है हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर आर देयर, बी हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, एंड थ्री है सी है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। ये इसी से जो आपको इसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स बताया गया है इसी से रिलेटेड है। इसको होमवर्क आपको होमवर्क करना है, अपनी होमवर्क कॉपी में करना है इसको। इसको आप खुद से पढ़ेंगे और खुद से इसको पूरा अपने मन से करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन साइन। ए है आपका 64 एंड 46, इसमें कौन सा बड़ा है आपका? 64 बड़ा है, तो आपका ये यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज होगा। और बी है आपका 98 एंड 101, तो आपका कौन सा बड़ा है? 101, 98 हमारा छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन साइन यूज होगा। और सी है नेक्स्ट 467, 647, तो इसमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो यानी ये छोटा है। जब ये छोटा है इससे, तब यहाँ पे लेस देन साइन यूज होगा। अब डी है 90 बड़ा है कि 900 बड़ा है, तो आपका 900 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे आपका लेस देन साइन यूज होगा। ई 897, तो 897 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे भी लेस देन साइन यूज होगा। 243, 342, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 342, तो 243 हमारा 342 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे भी लेस देन साइन यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए 301 हमारा 203 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज होगा। एच है 756, तो यहाँ पे 756 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे लेस देन सिंबल यूज होगा। 500 हमारा 472 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी लेस देन साइन यूज होगा। ओके, नाउ द योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें से यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उन सब में उनको सर्कल करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? सबसे बड़ा डिजिट हमारा 770 है, तो इसलिए हम इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। जैसे बी का देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 965, तो इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे। वैसे ही आपका सी डी ई एफ है, इसको आपको होमवर्क में करना है, अपनी होमवर्क कॉपी में करिएगा इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में। जैसे आपका ये दिया गया 169, 93, 619, 39, 961, 196, तो इसमें एक्चुअली ये करना है कि जो सबसे छोटा है पहले उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो है उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो है उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो है उसे लिखेंगे। तो इस तरीके से जैसे आपका देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 93 है, तो पहले 93 लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा आपका 39 है, उसके बाद आपका 93 है, फिर उसके बाद 169 है, और उसके बाद फिर आपका सब उससे बड़ा भी है 196, फिर उससे भी बड़ा है 619 से भी बड़ा है 961, तो 39, 93, और उसके बाद उससे बड़ा हमारा वर्ड है 169, फिर उससे भी बड़ा है 196, और 196 से भी बड़ा है 619,
और 619 से भी बड़ा है 961। एक मैंने आपको बता दिया है, इसी प्रकार से आपको बी सी डी ई एफ करना है, इन सबको बढ़ते क्रम में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम में। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि हम बढ़ते क्रम में गए थे कि छोटे से बड़ा लिख रहे थे, लेकिन अब हमें बड़े से छोटा लिखना है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में। जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें 543 है, फिर उसके बाद 435 है, फिर उसके बाद 405 है, फिर 345 है, फिर 45 है, फिर 35 है। तो पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे 543, फिर 405, फिर 345, फिर सबसे बड़ा आपका है 543, फिर 435, फिर 405, फिर है 345, फिर उससे भी छोटा है 45, और उससे भी छोटा है 34। आपको मैंने एक बता दिया है, आपको बी सी डी ई एफ ये सब आपको अपने मन से करना है अपनी होमवर्क कॉपी में। तो अभी तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, पूरा जितना बताया है आपको पूरा अच्छे से देखना है, आपको पूरा सॉल्व करना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बार बार वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।